गाइस वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत में देखिए बॉस हमारे इधर, और अभी कितना बज रहा है जी? करीब रात के 1:27। हमारे प्रो ड्राइवर सीधा एकदम लिया के अभी 160 किलोमीटर पीछे इटावा से। कौन सा जगह है बताइए? ये हम लोग 100 किलोमीटर पे जो माइलस्टोन आता है ना, फूड प्लाजा, वहाँ पे उधर ही है अभी हम लोग। नाम बदल गया, हिस्ट्री फूड कोर्ट। तो अभी थोड़ा बहुत सोचे कि खा लेते हैं हम लोग, देर बज गया है, बस एक तितली खाई है। नींद में, तो अभी हम लोग चलेंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, और खाने के बाद से फिर निकलेंगे इटावा के लिए। है जगत ढाबा, और आज जगत ढाबा में जगत जननी हमारी चल रही है। क्या जी, क्या हाल? देखिए क्या खाते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा आ चुका है खाना। निशा पता नहीं कहाँ गई, उसी को ढूंढ रहा हूँ मैं। फाइनली खाना पीना मस्त खा लिया हम लोग, और अब चलेंगे। अब हमारा स्टॉपेज होगा डायरेक्टली, कहाँ स्टॉपेज होगा बाबू? इटावा। और लगभग बहुत लोग पहुँच भी रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए। क्या चाहिए बाबू, चाय पी रहे हैं क्या? चलिए तो चलते हैं। हमारी बिटिया रानी सो चुकी है मस्त, और चलते हैं अब। खाना पीना खा लिया हम लोग। भाई साहब का फोटो शूट चल रहा है। बस ये है कि 150 किलोमीटर नींद नहीं है, तो सूत जाएंगे तो 4 आदमी और सो जाएंगे। समझ रहे हो गाइस, तो सोना नहीं है। गाड़ी क्या मस्त लग रही है, लेकिन गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। और सचिन भाई आज कैसे कैसे मैनुअल चला लिए हैं, ये एक्चुअली मैनुअल चलाते नहीं है, तो मज़ा आ रहा है। चलिए बैठा जाए अब, और निकलते अगले पड़ाव पे। अभी पता है कैसे कर रही है, ऐसे करिए गेट वो बंद कीजिए ना, जैसे वो गए उतर के बंद करें तब तक खुद बंद कर लिए, और ऐसे करिए लड़ाई झगड़ा करते, इसीलिए इनको आगे बैठा के लड़ाई झगड़ा मारपीट करते, आंख नहीं बंद होगा, पहुंच जाएंगे हम लोग इटावा। क्या राशिद, राशिद को बोल दे कि राशिद हॉट सीट पर आ जाओ, पीछे को बैठे देते हैं। बेल्ट लगाना पड़ेगा। हाँ बेल्ट नहीं लगाओगी तो ऐसी जाओगी। भाई साहब डरा ही दिए थे ये तो। Hey guys, तो फाइनली पहुंच चुके हैं। बोलिए बोलिए भाई, क्या ऊंचा होटल है यार, रॉयल गैलेक्सी। रॉयल गैलेक्सी होटल नाम ही है, रॉयल। अभी हमारा ग्रैंड वेलकम होने वाला है। 3:30 बज रहा है, कोई नहीं आएगा। और इस ब्रह्म क्या कर रहे हैं भाई? एक आदमी आएगा, अमित भाई। तितली इधर आ गए। फाइनली पहुंच चुके हैं, जो जोड़ों की नींद आ रही थी उसके बाद इनको ढकेल के उठाए। नींद आ रही थी। सचिन भाई से बतियाते ऐसा आग झपकर भैया ने एक मारा, मैं भी सो गया था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हाँ माय गॉड। देखो तुम्हारी गाड़ी के लास्ट में 4-3, मेरी गाड़ी के लास्ट में 4-3, देखा नंबर है देखो। वाह भाई साहब वाह, 43। ओ एक और 9 भी है देखो, मेरा 9 के बाद एक लगा हुआ है। 43 और सर कॉम्बी में गाड़ी का नंबर देखा। तुम कौन हो भाई? हम वही हैं। अरे जी जी तुम आए, कहीं तो छोड़ दो भाई साहब। कैसे हो जिया 717, इतना बड़ा नाम कहां लिखवा लिए जी? क्या लिखवाते भाई, यही नाम ही है तो, जब यही नाम है तो और क्या ही लिखवाएंगे। पैर ना जाए उसमें, सुना बता के। इधर ये वाला मिल गया था, 12 किलोमीटर पीछे है दुकान खुला हुआ। नहीं या तो कुछ मिलेगा, हम तो वही जब आए होंगे भाई, या तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब बच्चे के लिए तो अपना व्यवस्था लेके चले हो ना। हाँ हाँ व्यवस्था पूरा है, व्यवस्था पूरा है। बच्चा जब रहता है तो पूरा व्यवस्था लेके चलते हैं हम लोग। सुबह मिल जाएगा, सुबह मार्केट ज्यादा दूर थोड़ी है, शायद घर है किसी का 1.5-2 किलोमीटर। ये होटल वाले का ही होगा आसपास, लगे तो अभी नया नया बना है ये होटल। राशिद बोली भाई, ये तो बड़ा होटल बनाया है भाई इसने। हाँ होटल बनाया इसमें, बस ये समझ लिया हाईवे के पास ही में सही है। अभी सब आई नहीं, वो तो पकड़ा है हुआ है हमको सबको। क्या हुआ? चला जाओ रुद्र भाई की इधर गाड़ी खड़ी। हमको लगा रुद्र भाई सोए हैं, सब सो रहे हैं पंखा लेके गार्ड का। हमको लगा कि रुद्र भाई सोए हुए हैं, क्या बात। उनको बाहर सुला दिया,
तो कल इसको पूरी तरह से दिखाया जाएगा। बट अभी चलते हैं सभी लोग, है ना जी, मज़ा आ रहा है। अमित भाई हमारा वेलकम किया, और क्या चाहिए, यही तो प्यार है इनसे। सभी लोगों को पता है कि हम लोग आने वाले हैं, फोन ये किए आ गए नीचे यहीं। चलिए जी चला जाए। हाँ अमित भाई आ गए। कोई है? कौन है, कौन है भाई? किट्टू इतनी पतली हो गई है। किट्टू है? हमको लगा कि बक, हमको लगा कि अमित की साली है। ये किट्टू है? कसम से भगवान, कसम पता नहीं चल रहा है किट्टू तो ये। कसम से भाई कैसी हैं आप किट्टू जी? किधर भी ना आए हैं? हैं? किधर भी ना आए हैं यहाँ? मान चलो बहुत लेट हो। चलो जी सोने दीजिए। सोम संगुल दीदी या परना? अरे खराटा नहीं ले रहे हैं, देख रहे हो? वो खराटा नहीं ले रहे हैं आपके दोनों। दीदी हमारी उठ चुकी है। सब सो रहे हैं। सोइए सोइए। कसम भगवान। अरे ये सोए हुए हैं। हेलीकॉप्टर भैया कैसे हैं? हेलीकॉप्टर। अब सपने में हम देख रहे थे कोई आया है। ये हमारे हेलीकॉप्टर। और कैसे हो? मजे में। बस आ गए। बस बस। हम सोचे कि भाई सब कुछ मिलन हो जाएगा तो चल रही। कर ये राशि दी कैसा बाल रखे हो? ओ भाई साहब ये तो मलिंगा बन गया। मलिंगा नहीं बना, इसी जा रहा था आग में वो शांति प्रिया को बचाने। बाल जो कर गया इसका। मनीषा क्यों, कौन बोल रहा है? प्रमोशन मनीषा सबके दिल में आई है क्या? बगल वाले में वॉशरूम में आई, वॉशरूम गई है। अरे नहीं मनीषा टेंशन में आ गए, बोले भी हम भाई साहब नहीं, लेकिन दुबली पतली हो गई है बहुत यार। कछुआ नजर नहीं लगे, वो लाइट जला के देख रही है निशा किट्टो को भाई। बेटिया रानी उठी है, सब एक दूसरे को थोड़ा देख भी नहीं। अरे यार आप इतनी गहराई से क्यों देख रहे हो? हमने नहीं बोला। रास्ता पास करते इसलिए चले। हां और इधर घसक जाओ नींद में ही थे तो नहीं, इसमें सुबह कितने बज रहे हैं? मैं वही भूल गया यार। आपको ब्रश चाहिए उंगली से कर रहे हैं? ब्रश से कर सुबह कितने बज रहे हैं? ये ब्रश देते हैं पता है ना, एक देते हैं आप एक ही देते हैं। गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या कर रहा समझ में नहीं आ रहा था। चलिए कोई नहीं, गुड मॉर्निंग यार। भूल गई ऐसा नहीं, दो चार फैट दे दे वो। तो लगनी चाहिए तुमको, पहनोगी वो, ये कहना चाह रहा है। उस टाइम ही लगी थी। स्वाति भी आ गई है यहाँ पे। सब सो रहे हैं बाकी। सुबह के 4 बजे हम लोग पहुंचे हुए थे। पहुंच तो ऐसे गए थे लेकिन सोते सोते जगते जगते उठते उठ के बहुत भयंकर दूर है नींद आ रहा। रास्ते में रुक के खाना खा लिए, उसके बाद और नींद आने लगी। अरे वो नीचे ज्यादा मजा आता है, बेड से ज्यादा मजा नीचे ही आता है सोने में। वो सब भारी भर का हम लोग हैं, सो जाएंगे थक जाएंगे। बस बस आप नाश्ता ले जाइए, हम लोग भी पहुंच ही रहे हैं ब्रश करके। अरे यार आप लोग जमीन से जुड़े लोग हैं, कहीं भी सो जाते हैं। तितली तितली चलिए जी, तो चलते हैं, फ्रेश होते हैं धीरे धीरे।